हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा एपिसोड है वो एक पिरामिड थेरापी पे डिपेंड है कि हमारे इस संस्था में एक ऐसा भी पिरामिड एक गैजेट मिलता है 3D रेमेडी कि आप उसके अंदर आपकी कोई भी विश लिख के रख दोगे तो आपकी विश पूरी होगी। यानी आजकल क्या होता है फ्रेंड्स, हर कोई भी हो, या कोई स्टूडेंट्स हो, या फिर कोई बिजनेसमैन हो, या फिर कोई नौकरीशुदा इंसान हो, उसके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी इच्छाएं होती है जिसके पीछे वो लगातार पड़ा रहता है कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरा ये काम बन जाए, ये कुछ भी मेरा ऐसा काम बन जाए जिससे मुझको लाइफ के अंदर मेरा गोल हासिल हो जाए। यही जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट पे आज मैं ये वीडियो बनाया है कि वास्तु शास्त्र के अंदर, ये फेंगशुई के अंदर, ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऐसे ऐसे उपाय आते हैं, ऐसे ऐसे गैजेट आते हैं, जैसे पिरामिड क्षेत्र के अंदर अगर आप ऐसा एक पिरामिड विश बॉक्स आता है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। अगर उस विश बॉक्स में आप अपनी विश लिख के रखेंगे तो आपकी विश पूरी होगी। आपको वही वीडियो इसमें पूरा एक अपलोड करना दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर कि वो विश बॉक्स कैसा आता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें क्या क्या पद्धति है, किस तरह से हमको विश लिखना है, विश को कैसे रोज मल्टीप्लिक करना है, कैसे उसको विश करनी है, उसको रेकी फामा देना है, वो सब लगा एक कंटिन्यूटी करके मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं मेरे व्यूवर्स को कहना चाहूँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल के अंदर ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी संबंधित है, वास्तु संबंधित है, फेंगशुई संबंधित है, जिसका कंसेप्ट आपके जीवन के अंदर खुशहाली लाना है और आपको आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लाना होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश पिरामिड बॉक्स होता क्या है। अब ये आप मेरे सामने देख सकते हो कि एक पूरा पिरामिड है, ये पिरामिड एक विश बॉक्स है। अगर हम इसको खोलेंगे तो अंदर से आपको दूसरी ये पूरी एक ऐसी पद्म प्लेट मिलेगी, ये जो कमल के आकार का एक पूरा आकृति है जिसमें ऊर्जा रहित होता है, उसके अंदर ऊर्जा का भंडार होता है, इसके अंदर पॉजिटिविटी इतनी सारी हमने एनर्जाइज की हुई है कि इसके अंदर आप कोई भी विश लिखोगे तो वो विश आपकी पूरी होगी। अब इस गुंबज को आप देखोगे, ये पूरी कॉपर प्लेट से बनी हुई होती है, अंदर दूसरे 9 पिरामिड है एनर्जी प्लेट। अब इस एनर्जी प्लेट का हम क्या उपाय करते हैं, इसके ऊपर क्या हम कर सकते हैं जिससे हमारी विश पूरी होती है। विश का एक कंसेप्ट है, आपको एक प्लेन पेपर लेना है, उस प्लेन पेपर के ऊपर आपको रेड पेन से आपकी एक विश लिखनी है। जैसे इस तरह से हमने एक विश लिखी हुई है, ये हमारे थोड़े राइटिंग अच्छे नहीं है तो भी आप इसको पढ़ने की कोशिश करना। ऊपर हमने भगवान का नाम लिखा है, जय श्री चामुंडा माता की जय, यानी ये हमारे कुलदेवी है। आपके भी अगर कोई कुलदेवी है तो पहले ऊपर उनका नाम लिखना, फिर नीचे की तरफ आपको आपकी विश लिखनी है कि मुझे अमेरिका के वीज़ा मिल गए हैं। यहाँ पर क्या होता है, हम कभी भी कोई विश करते हैं ना तो उसमें हम क्या बताते हैं कि हमें ये काम हो जाए, पर इस विश बॉक्स के अंदर आपको पॉजिटिव टोन में एक राइटिंग करना है कि मेरा ये काम हो गया है। यानी आपको इतना भरोसा होना चाहिए आपके उस टाइप की रेकी पे कि मेरा ये काम हो गया है। इस तरह से इस विश को इस तरह से लिखना है। सपोज को आप 10th की एग्जाम दे रहे हो फाइनल ईयर की, तो आपको इसमें लिखना है, पहले आपके भगवान का नाम लिखना है, जय श्री अम्बे माता की जय। फॉर एग्जाम्पल, मेरे टेंथ की फाइनल एग्जाम में 80% आ गए हैं, यानी आ गए है, ये पॉजिटिव टोन यूज करना है। अब आपको देखना है कि ये चीट भी कैसे बनानी है, इसका भी अपने अंदर एक साइंस है पूरा। अब इस एक व्हाइट पेपर लेना है जो यहाँ से भी प्लेन हो, यहाँ से भी प्लेन हो, उसको स्क्वायर में कट करना है। मैंने अच्छी तरह कट नहीं किया पर आपको राइट एंगल में एकदम स्क्वायर कट करना है, फिर इसको 3 फोल्डिंग करना है, 1, 2 एंड 3। 3 फोल्ड लेके आपको ये एनर्जी प्लेट के ऊपर ये विश चीट रखनी है जो रेड पेन से लिखी हुई है। अब आपको ये जो कॉपर का पूरा गुम्मज है वो उसके ऊपर रखना है, इस तरह से रखना है कि विश चीट बाहर ना आ जाए, फिर इसको लॉक कर देना है। अब आपको इसका जो टॉप है पिरामिड का, वो टॉप को आपको लॉक कर देना है। आप ये देख लीजिए, ये गुम्मज फिट हो गया, इसके लॉक हो गया पद्म प्लेट के ऊपर, एनर्जी प्लेट के ऊपर। अब ये इसको यहाँ से चारों तरफ से प्रेस करके ये पिरामिड बॉक्स को आप लॉक कर देना चाहिए। अब इस पिरामिड बॉक्स को आपको दो स्थल पे रख सकते हैं, एक तो अगर आप अपने घर के अंदर या अपने ऑफिस में ईशान कोण में भी रख सकते हो, और पूर्व की तरह मुंह रख के आपको विश करनी है। उसी तरह अगर आप इसको टेंपल में यानी आपके घर के मंदिर में रखना चाहते हो तो भी ईशान कोण के मंदिर में या कोई भी कोण में मंदिर हो तो उसको आप मंदिर में भगवान के समक्ष रख सकते हो। अब इसको रोज सुबह शुद्ध स्नान करके सकारात्मक विचारों के साथ इस पिरामिड विश बॉक्स को उल्टे हाथ पे लेके सीधे हाथ ऊपर रख के आपके कुलदेवी का नाम लेना है,
और 9 बार आपकी विश करनी है। जैसे जो अंदर विश चीट में जो हमने विश लिखी है वही विश रिपीट करनी है। जैसे जय श्री चामुंडा माता की जय, मुझे अमेरिका का वीजा मिल गया। जय श्री चामुंडा माता की जय, मुझे अमेरिका का वीजा मिल गया। जय श्री चामुंडा माता की जय, मुझे अमेरिका का वीजा मिल गया। जय श्री चामुंडा माता की जय, मुझे अमेरिका का वीजा मिल गया। जय श्री चामुंडा माता की जय, मुझे अमेरिका का वीजा मिल गया। इस तरह 9 टाइम, अगर कभी गिनती में गलती भी आएगी तो चलेगा, पर 9 टाइम करना, क्योंकि 9 अंक के अंदर भी एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा है। इसको उल्टे हाथ पे रखने हैं और सीधा हाथ ऊपर रख के इसको फामा देने, इसमें दोनों हाथ के बीच में इतना डिस्टेंस होना चाहिए टॉप पे और हमारे हैंड के अंदर, जिससे इसके अंदर हम एनर्जी दे सकते हैं। इसको फामा पद्धति कहते हैं, हीलिंग पद्धति कहते हैं। इससे करने से क्या, अंदर लिखी हुई आपकी विश पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें आपको सकारात्मक विश लिखनी है, किसी को नुकसान ना करे इस तरह से विश लिखनी है। आपको मंदिर में रखना है, मंदिर में नहीं रख रहे तो ईशान कोण में रख के पूर्वाभिमुख बैठ के आपकी विश करनी है। और दूसरी बात, हमारे विद्वान कह गए, अगर धनवान व्यक्ति आशावादी और सकारात्मक विचार वाला है तो वह धनवान नहीं है। इसी तरह निर्धन व्यक्ति अगर अपने जीवन में आशावादी है, सकारात्मक विचारों वाला है, तो वह सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। धन अपनी जगह है, पर धनवान यानी सकारात्मक ऊर्जा से धनवान, आशाओं से धनवान वही व्यक्ति संसार के अंदर पॉजिटिव सुख का आनंद ले सकते हैं। बाकी हर तरह हमारे पास कुछ भी होगा, हम कुछ ना कुछ गलतियां निकालते रहेंगे और अपनी जीवन को हमेशा खाली समझेंगे। यानी आप सबको मेरा यह कहना है कि अब सकारात्मक इच्छा, सकारात्मक विश्वास, पॉजिटिव थिंकिंग और श्रद्धा पूर्वक अगर आप विश बॉक्स यानी पिरामिड, इच्छा पूर्ति पिरामिड यंत्र की उपासना करेंगे, पूजा करेंगे, 9 टाइम आपकी इच्छा बोलेंगे, तो 100% ईश्वर आपकी मनोकामना की पूर्ति करेगा और आपके इच्छा होने, इच्छा में आने वाली कोई भी बाधा है वो बाधा दूर करेगा और कोई भी ऐसी तकलीफ है वो तकलीफ दूर करेगा। फ्रेंड्स, आपको आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप सब इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जाके अपनी कोई भी कमेंट हमें लिख सकते हो। और आपको हमारे इस चैनल को हो सके तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।